ग्वालियर शहर के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के गार्डन होम्स फेस 2 में 3 दिन पहले हुए डबल मर्डर के आरोपियों को कुछ ही घंटों के अंदर गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का स्थानीय निवासियों ने सम्मान किया है। गार्डन होम्स के रहने वाले लोगों ने शुक्रवार को एसपी ऑफिस पहुंचकर पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह, एडिशनल एसपी श्री कृष्ण लाल चंदानी और क्राइम ब्रांच की टीम का शाल श्रीफल से सम्मान किया। स्थानीय लोगों का कहना है कि जिस तरह से पुलिस ने इस सनसनीखेज हत्याकांड से 24 घंटे के अंदर पर्दा उठाया वह तारीफ के काबिल है। सभी 4 आरोपी अब पुलिस हिरासत में हैं। उनसे पूछताछ चल रही है और जल्द ही कानून उनको उनके किए की सजा देगा। स्थानीय लोगों को कहना है कि पुलिस ने जो तत्परता इस मामले में दिखाई वहां आगे भी बनी रहे। स्थानीय लोगों ने समय समय पर पुलिस के इस क्षेत्र में निगहबानी करने और यहां मौजूद गार्ड आदि के बारे में जानकारी दुरुस्त रखने की अपील की है। पुलिस का कहना है कि कुछ कमियां इस दौरान इन अपार्टमेंट देखी गई है, इसलिए मल्टी स्टोरीज और विभिन्न सोसाइटी में रहने वाले लोगों को बुलाकर एक मीटिंग भी की गई है और उन्हें भविष्य में इस तरह की घटनाओं से निपटने के लिए अपने सुरक्षा गार्ड, सीसीटीवी कैमरे सहित अन्य सुझाव दिए गए हैं। क्या नाम है? मेरा नाम है डॉक्टर मिसेस रमेश शर्मा। मैं गार्डन होम फेस 3 की निवासी हूँ और हमारे यहाँ डबल मर्डर हो गया। एक माँ और एक बेटी दोनों का मर्डर हो गया। उस मर्डर के कारण हम लोग सब बहुत दहशत में आ गए, लेकिन एसपी, डीएसपी और थाना प्रभारी वगैरह ने विद इन नो टाइम, 24 घंटे भी नहीं निकले थे, और उन लोगों को पकड़ लिया, जिससे कि हम लोगों को थोड़ी सी राहत मिली और उनको धन्यवाद हम देना चाह रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारी सोसाइटी जो है, जिसको कहा जाता है कि गेट बंद ग्वालियर की पॉश कॉलोनी, हम ये चाहते हैं कि पुलिस थोड़ा सा हमारा सहयोग करे, जिससे कि हमारे वहाँ की व्यवस्था, गार्ड की व्यवस्था स्पेशली बहुत अच्छी बनी रहे और हम लोग सुरक्षित रहें। आज आपने कुछ पुलिसकर्मियों का धन्यवाद भी किया है, माल्यार्पण भी किया है। हाँ हाँ, आज हम लोग स्पेशली इसीलिए आए हैं कि ये जो टीम थी जिसने बहुत अच्छा काम किया, उनको धन्यवाद देना हम लोग चाह रहे थे, इसीलिए हम कुछ लोग मिलके यहाँ पर आए हैं, उनका माल्यार्पण किया, शॉल प्रदान किया और उनसे रिक्वेस्ट की कि आप लोग आगे भी हम लोगों को एक मार्गदर्शन, नहीं मार्गदर्शन तो मैं कही, वो आगे से भी हम लोगों का सपोर्ट करते रहें। हम जब जब उनको बुलाएं वो हमारे पास आए, जिससे कि हमें ये डर न रहे कि हम कैसी कॉलोनी में रह रहे हैं। हम लोग यहाँ पर रहते हैं, वहाँ पर ज़्यादा लोग ओल्ड कपल हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, और जो यंग लोग हैं उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, तो जो यंग लेडीज़ हैं वो भी घबराई हुई है कि आज तो मर्डर हुआ है, कल ऐसा ना हो कि कल यहाँ पर किडनैपिंग हो जाए, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर आए हैं और रिक्वेस्ट करने के लिए कि अभी तो आप लोगों ने बहुत काम किया है, अच्छा सा पुलिस ने अभी बहुत अच्छा सा काम किया है, और आगे भी हमें सपोर्ट चाहिए, क्योंकि बिना पुलिस के सपोर्ट के हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हम लोग ऐसा अपने आप को असहाय महसूस कर रहे थे अभी, लेकिन जब ये सब लोग पहुँचे, स्पेशली कल जो ये टीम आई है हमारी, डीएसपी, आईपीएस वगैरह की और थाना प्रभारी की, इस टीम ने जब वहाँ आके हम सब रहवासियों से चर्चा की है और कुछ बिंदुओं पर प्रकाश डाला है कि आगे से आप ये व्यवस्था सुधारिए, उसके कारण हम लोगों का बहुत ही मनोबल बढ़ा है, हम लोगों को एक राहत मिली है, जीने की एक सांस ली है हम लोगों। धन्यवाद। कुछ लोग पुलिस धन्यवाद दिया है ग्वालियर पुलिस का, किस क्या मामला था, किस वजह से? अभी भी मेहनत अपनी, बेसिकली जो डबल मर्डर मामला था जिसको पुलिस ने 24 घंटे के अंदर सॉल्व करके आरोपियों को हिरासत में ले लिया, उसके बाद कल पुलिस ने एक मीटिंग भी की थी यहाँ के रहवासियों से, जहाँ पे इनको कुछ सुझाव दिए गए थे अपनी सुरक्षा को और पुख्ता करने के लिए। तो इन सब पुलिस के प्रयासों से खुश होकर इन लोग ने पुलिस का सम्मान किया और आज इस वजह से ये एसपी सर के ऑफिस में आके इन सब ने एसपी सर और सारी क्राइम ब्रांच की टीम को सम्मानित किया और हम इन सब के आभारी हैं कि इनने इस टाइप का जेस्चर शो किया। देखा जाता है कि सोसाइटियों में जो है सिक्योरिटी की सुविधा नहीं होती और जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं रजिस्टर्ड भी नहीं होते, इसको क्या करना चाहिए? ये हमने ब्रीफिंग की है इनको और इसके लिए हम लोग सारी सिक्योरिटी एजेंसीज की मीटिंग भी बुला रहे हैं जो ग्वालियर में सुरक्षा प्रदान करती हैं, और उन सबको भी समझाई दी जाएगी कि जो भी लैप्सेस हमें फील हुए इनकी सुरक्षा में रहते हैं उनको ठीक किया जाए और उस विषय में और अवेयरनेस स्प्रेड की जाएगी।